नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव खबर। इसमें हमारे लखनऊ से एयरपोर्ट, आज से लखनऊ एयरपोर्ट आज से प्राइवेट हाथों में 50 साल तक काम संभालेगा। अडानी ग्रुप लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट को संचालन आज से अडानी ग्रुप करेगा। एयरपोर्ट के प्रबंधक से लेकर बीती मामलों में अडानी ग्रुप के अधिकारी ही पूरा फैसला लेंगे। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के पास इस एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अगले 50 साल तक रहेगी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के लिए अडानी ग्रुप के साथ हुए करार के मुताबिक शुरुआती 3 साल तक अडानी ग्रुप के अधिकारी एयरपोर्ट प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की कमान पहले की ही तरह केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल यानी CISF के जवान ही संभालते रहेंगे। फायर फाइटिंग सिस्टम और इंजीनियरिंग सेवाएं भी अडानी समूह के अधिकारी ही संभालेंगे। बताया जाता है कि इस एयरपोर्ट पर किसी भी सुविधा का शुल्क अभी नहीं बढ़ाया जाना है। एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार की योजना जानकारी के मुताबिक लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त पिकअप ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। आपको बता दें कि अमौसी स्थित एयरपोर्ट पर 2 नए टैक्सी वे का निर्माण शुरू हो गया है। इससे जहाज के उतरने के बाद रनवे से एप्रेन तक जाने और आसान हो जाएंगे और मौजूदा समय में राजधानी से 68 घरेलू और 10 अंतर्राष्ट्रीय वंदे भारत मिशन की उड़ानें के संचालन हो रहा है। टैक्सी वे एप्रेन की संख्या बढ़ने के बाद एक और उड़ानों भरने की कई विमानों का परिचालन आसान हो जाएगा। यानी लखनऊ से उड़ान भरने वाले उतरने वाले विमानों की संख्या लगभग 150 तक पहुंचाई जा सकती है। बता दें 26 अक्टूबर से नए निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। इसमें से 2 टैक्सी वे के अलावा 8 नए एप्रन यानी जहां विमान खड़े होते हैं वे निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप आरबी न्यूज लाइव को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले बने रहे। आप आरबी न्यूज लाइव के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, नए एपिसोड के साथ।